हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ये स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक। एक सेपरेशन करने में यूज़ होता है कि जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट में वो सेपरेट करता है, अगर कोई मिक्सचर प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे ए बी या तीन कंपोनेंट ए बी या सी, तो उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट में ए बी और सी में सेपरेट करेगा। ठीक है, एक टाइप का इसको क्या बोलेंगे, सेपरेशन। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी, अभी क्रोमा का मतलब होता है हम लोग बोल सकते हैं कलर, और ग्राफी मतलब कि उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं टू राइट, और दूसरा हम लोग वर्ड क्या लग सकते हैं टू राइट। तो मतलब हम लोग कलर कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे और थ्रू पेपर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर हम लोग दो कंपोनेंट यूज होगा। पहला है इसके अंदर स्टेशनरी फेस, मतलब किसकी मदद से हम लोग इसको सेपरेट करने वाले, पहला है उसमें स्टेशनरी फेस और दूसरा है हम लोग का मोबाइल फेस। ये दोनों की मदद से हम लोग इसको सेपरेट करने वाले, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस मतलब जो स्टैटिक, मतलब जो एकदम नॉन मूवेबल होगा, और मोबाइल फेस मतलब जो डायनेमिक मोशन में होगा। ठीक है, तो एक टाइप का, एक इसके अंदर, ये बात करने से पहले ये बता दूँ, ये इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टाइप का प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। कौन से टाइप का क्रोमेटोग्राफी है? प्लेनर। ठीक है, और ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये यूजुअली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे वर्क करता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे वर्क करता है। अभी इसका बेसिक मैकेनिज्म मैं आप लोग को पहले सिखा देता हूँ कि वो इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या होगा। बेसिक मैकेनिज्म के लिए समझो, ये मैं एक पहले स्टेशनरी फेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये स्टेशनरी फेस में क्या करूँगा, ये पेपर, क्योंकि हम लोग बात करने वाले पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो मैंने एक पेपर लिया, वो पेपर कोई सादा पेपर नहीं, हम लोग उसको बोलेंगे वॉटमैन्स फिल्टर पेपर, क्योंकि उसके साइज के हिसाब से ये वॉटमैन फिल्टर पेपर डिज़ाइन किया गया है। तो इसके बहुत सारे ग्रेड होते हैं, तो हम लोग ने वॉट्समैन फिल्टर पेपर लिया, एक टाइप का क्या है, स्टेशनरी फेस। ठीक है, अभी वॉट्समैन फिल्टर पेपर, इसके बहुत सारे ग्रेड होते हैं, जैसे नंबर वन, नंबर टू, थ्री, फोर, 20, 40। ठीक है, यूजुअली हम लोग नंबर वन ग्रेड यूज़ करते हैं। ये नंबर ग्रेड क्यों रहता है, क्योंकि उसके पोर साइज के डिपेंड करता है। ठीक है, तो वॉटमैन फिल्टर पेपर हम लोग यूज़ करने वाले। इसके वॉटमैन फिल्टर में क्या खास बात है कि ये बना रहता है सेलुलस से, ये बना होता है सेलुलस फाइबर। ठीक है, इसके अंदर 98 से लेके 99% अल्फा सेलुलस रहता है वॉटमैन फिल्टर पेपर के अंदर, और 0.3 से लेके 3% तक बीटा सेलुलस लेता है, बीटा सेलुलस। ये इसका कंपोजिशन है वॉटमैन फिल्टर पेपर का। ये हम लोग स्टेशनरी फेस यूज़ करने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर को एक सूटेबल साइज में इसको हम लोग कट कर लेंगे। फिर हम लोग ये पेपर को कट करने के बाद हम लोग उसको मार्क करेंगे। ये स्टेशनरी फेस मैंने बताया, ये सेलुलस से बना रहता है, और सेलुलस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसके अंदर मैंने क्या बताया, ये फिल्टर पेपर, इसमें छोटे छोटे ऐसे पोर्स मतलब ऐसे होल रहेंगे। ठीक है, वो होल के अंदर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर, वो वाटर एक्ट करेगा एज अ स्टेशनरी फेस। याद रखना, ये जो ये पेपर है वो किससे बना हुआ है, सेलुलस से, मतलब वॉटमैन फिल्टर पेपर है, मतलब सेलुलस फाइबर से बना हुआ है। उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे, वो पोर्स के अंदर क्या फील रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक है, वो वाटर एज एक्ट करेगा स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग अभी इसको करने कैसे वाले, ये स्टेशनरी फेज है हम लोग का। ठीक है, स्टेशनरी फेज हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक मार्क कर देंगे, ऊपर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर छोड़ के एक हम लोग इधर से एक लाइन बना देंगे पेंसिल से। ठीक है, और हम लोग को जो भी सेपरेट, जो मिक्सचर को हम लोग को सेपरेट करना है, समझो ये मिक्सचर है। ठीक है, हम लोग उसका मोबाइल फेस के अंदर वो मिक्सचर को डिसॉल्व करेंगे कि थोड़ा डिसॉल्व हो जाए। तो फिर हम लोग उसको कैपिलरी की मदद से, कैपिलरी आता है, और कैपिलरी को इसके अंदर डीप करके इसके अंदर हम लोग स्पॉट रखेंगे। तो अभी पेपर हम लोग ने ले लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग को अगर 3 स्पॉट रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर एक पहला स्पॉट, इधर फिर इधर थोड़ी जगह छोड़ के दूसरा स्पॉट, ये तीसरा स्पॉट। मतलब मैंने क्या किया, एक सैंपल जिसके अंदर से हम लोग को कंपोनेंट सेपरेट करना है, उसको पहले डिसॉल्व कर लेंगे थ्रू मोबाइल फेस के अंदर, फिर उसके अंदर से कैपिलरी डिप करके कैपिलरी की मदद से हम लोग उसको स्पॉट रखेंगे, 1, 2, 3 जितना भी हम लोग को स्पॉट रखना है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे। अभी रन कैसे करवाना है, ये स्पॉट रखने के बाद हम लोग को एक मोबाइल फेस तैयार करना है। अभी स्टेशनरी फेस तो ये हो गया, अभी मोबाइल फेस कैसा होता है,
मोबाइल फेस, ये मोबाइल फेस हम लोग को बना रहेगा। तो मोबाइल फेस जनरली अगर ये हम लोग अगर पोलर ले रहे, इसके अंदर स्टेशनरी फेस क्या है, हम लोग का इधर पोलर है, पोलर का मतलब क्या वाटर है ना इसके अंदर, मैंने बताया सेलुलोज फाइबर के अंदर क्या है पोर्स के अंदर वाटर प्रेजेंट, वो एक्ट करता है पोलर, पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज रहता है, ठीक है। तो हम लोग मोबाइल फेस ऐसे नॉन पोलर यूज करेंगे, मतलब पोलर नॉन पोलर, ठीक है। तो अगर स्टेशनरी फेस पोलर है तो मोबाइल फेस हम लोग नॉन पोलर, और हम लोग यूजुअली ये कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग अलग अलग मोबाइल फेस यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं पोलर मोबाइल फेस का एग्जाम्पल ले रहा था, जैसे पोलर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं मिथेनॉल, वाटर, और इसका हम लोग को रेशियो में भी ले सकते हैं मिथेनॉल इज टू वाटर, अगर इसको 3:1 में भी ले सकते हैं, ऐसे हम लोग मिक्सचर में भी कंपोनेंट को सेपरेट करना रहता है तो हम लोग इसको मिक्सचर में भी ले सकते हैं। तो पोलर कंपोनेंट का एग्जाम्पल मिथेनॉल, वाटर, इथेनॉल, ये सब पोलर के अंदर आएगा, ठीक है। और नॉन पोलर का एग्जाम्पल होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइमिथाइल ईथर, ये सब नॉन पोलर के अंदर होगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्वेंट इस हिसाब से चूज करेंगे कि हम लोग का जो भी सैंपल कंपोनेंट प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जाए और उसके अंदर सॉल्यूबल हो, मोबाइल फेस के अंदर भी सॉल्यूबल हो जाए, और वो सॉल्यूबल होने के कारण ही वो ऊपर मूव होगा। अभी क्या होगा, मोबाइल फेस हमने प्रिपेयर कर लिया एज नॉन पोलर या पोलर, अभी अगर हम लोग इसके अंदर हम लोग नॉन पोलर यूज करें क्योंकि हम लोग का स्टेशनरी फेस क्या है पोलर है, क्योंकि पोलर क्यों से है क्योंकि मैंने क्या बोला सेलुलर फाइबर के अंदर वाटर प्रेजेंट रहता है, पोलर वाटर कैसे एक्ट करता है एज अ पोलर ग्रुप। तो हम लोग मोबाइल फेस कैसा यूज करेंगे नॉन पोलर, अभी उसकी बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी वो अभी सेपरेट होगा। अभी सेपरेट कैसे करना है हम लोगों, हम लोग ने स्टेशनरी फेस बना दिया, फिर हम लोग ने एक मोबाइल फेस बना दिया, अभी मोबाइल फेस को हम लोग एक चैम्बर में लोड करवाएंगे। अभी चैम्बर हम बहुत सारे चैम्बर होते हैं, एक ग्लास चैम्बर से बना, एक ग्लास चैम्बर होता है, प्लास्टिक चैम्बर होता है, तो हम लोग इसके अंदर समझो मैंने एक चैम्बर बनाया, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सॉल्वेंट इधर तक फिल कर दिया है, मतलब मोबाइल फेस फिल किया है मोबाइल फेस। अगर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेट है या जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का हम लोग ये बनाया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर ऐसा रख देंगे, ठीक है। और हम लोग का स्पॉट इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो जाना चाहिए, उस हिसाब से रखेंगे कि स्पॉट ऊपर रहे, ठीक है। और उसको पहले थोड़ा ये प्लेट रखने से पहले इसको पहले हम लोग मोबाइल फेस चैम्बर को पहले सैचुरेट होने देंगे कि पूरे जगह पे उसका जो भी वेपर है वो ऊपर आ जाए, फिर वो क्या होगा मोबाइल फेस धीरे धीरे इधर रन होते जाएगा, तो वो रन होते जाएगा तो उसका मतलब पेपर के ऊपर इधर धीरे धीरे रन होगा, तो उसके हिसाब से ये कंपोनेंट फिर सेपरेट होने लगेंगे। तो अगर ये भी अगर मोबाइल फेस के अंदर ये कंपोनेंट सॉल्युबल है तो वो कंपोनेंट क्या होगा मोबाइल फेस के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, तो मोबाइल फेस जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये मोबाइल फेस जैसे जैसे ऊपर जाएगा कंपोनेंट भी ऐसे धीरे धीरे उसके हिसाब से ऊपर जाने लगेगा। अगर ये कंपोनेंट के अंदर दो मिक्सचर है, ये जो मैंने पहला स्पॉट रखा है इसके अंदर ए बी है और बी बी है इसके, तो वो क्या होगा उसकी बेस्ड ऑन एफिनिटी कि वो सेपरेट होगा, अगर सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कि कौन सा ज़्यादा सॉल्यू, अगर मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा सॉल्युबल है वो सबसे पहले चले जाएगा और मोबाइल फेस के साथ थोड़ा कम सॉल्युबल होगा वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो वैसे वो अलग अलग हम लोग उसको कंपोनेंट में ये सेपरेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विद मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। अगर मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा सॉल्युबल हुआ तो वो जल्दी से फटाफट ऊपर चले जाएगा, और जो अगर स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा सॉल्युबल हुआ तो वो थोड़ा नीचे रह जाएगा। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ RF वैल्यू, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। अभी रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो उसका मतलब कुछ नहीं है, सॉल्वेंट सॉल्यूट मतलब ये कंपोनेंट जितना मूव हो रहा है वो, और सॉल्वेंट मतलब मोबाइल फेस जो रन हो रहा है वो, मतलब मूवमेंट ऑफ स्टेशनरी फेस के अंदर ये सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेस, ठीक है। तो मोबाइल फेस इसका रिटार्डेशन फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, रिटार्डेशन फैक्टर 1 से नॉट मोर देन 1, ठीक है। तो इसका ज़्यादा जनरली वैल्यू आता है 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको बेसिक मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर होता गया है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया स्टेशनरी फेस क्या होता है, मोबाइल फेस क्या होता है, वो उससे आपसे सेपरेट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। अभी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो सेपरेट हो जाएगा। अभी उसको हम लोग देखेंगे कि उसके जो जो चैम्बर था वो चैम्बर कितने टाइप के होते हैं जिसके अंदर हम लोग ने स्टेशनरी फेस रखा था, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट टाइप होता है असेंडिंग चैम्बर, कौन सा होता है असेंडिंग चैम्बर। अभी असेंडिंग
असेंडिंग से कैसा होगा कि हम वो जो पहले रखा था वो असेंडिंग वाला ही था, तो चैम्बर जो इसके अंदर मैंने मोबाइल फेस रख दिया और इसके अंदर हम लोग ने पेपर रख दिया, ऐसे पेपर क्रोमेटोग्राफी जो पेपर हम लोग ने लिया था इसके ऊपर हम लोग ने इधर स्पॉट रखा था, तो वो सॉल्वेंट ये अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्ट करेगा असेंडिंग चैम्बर के अंदर, क्योंकि मोबाइल फेस इधर से ऊपर रन होगा मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी, उस हिसाब से अगर हम लोग ने जो भी स्पॉट रखा उस हिसाब उसकी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सेपरेट होते जाएगा, जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा मोबाइल फेस के साथ वो ज़्यादा जल्दी ऊपर जाएगा और जो कम सॉल्युबल होगा बीच में रह जाएगा। फिर इसको हम लोग आरएफ वैल्यू निकाल लेंगे। आरएफ वैल्यू कैसे निकाले, मूवमेंट ऑफ अगर मैंने इसको इधर से इधर तो हम लोग सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे कि तो ये पहला स्पॉट है मेरा ए, ये बी, ये सी, तो ए का मुझे निकालना होगा तो क्या करूँगा इधर से इधर का अगर मेरा 2 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करूँगा 2 डिवाइडेड बाय और मोबाइल फेस लास्ट तक 2/3 तक जहाँ तक वो मूव हुआ है उधर तक का मोबाइल, अगर समझो इधर तक मूव हुआ है मोबाइल फेस उसका आ जाएगा 4, 2/4 क्या आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आएगा 0.5 और उसको हम लोग मैच करेंगे स्टैंडर्ड के साथ कि ये कौन सा सैंपल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग। तो असेंडिंग क्यों बोला गया, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है मतलब तो ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, दूसरा टाइप का हम लोग डिटेक्शन चैम्बर होता है उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग चैम्बर। क्या होता है डिसेंडिंग चैम्बर, अभी डिसेंडिंग क्या अंदर क्या होगा उल्टा होगा, मतलब हम लोग क्या करने वाले पेपर को जो पेपर है हम लोग स्पॉट को इधर ऊपर रखेंगे और सॉल्वेंट रन होगा जो मोबाइल फेस रन होगा ऊपर से नीचे होगा, मतलब ये नीचे साइड सेपरेट होगा ऐसा। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट होंगे उस प्रेजेंट में मतलब नीचे साइड मतलब ये ग्रेविटी के साथ ही जा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग चैम्बर। ठीक है, और तीसरा टाइप का चैम्बर होता है और डेवलपमेंटल चैम्बर बोलते हैं उसको। तो तीसरा टाइप का बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग चैम्बर। असेंडिंग डिसेंडिंग चैम्बर का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो पेपर होगा ऐसा है, ऐसा रहेगा, बीच में इधर रॉड रहेगा, पहले ये जो पेपर में इधर मैंने स्पॉट रखा समझो, अगर मैंने इधर स्पॉट रखा ये लाइन समझो, इधर मैंने स्पॉट रखा पहले असेंडिंग मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी थोड़ा थोड़ा मूव होगा इस साइड पे मूव होगा, फिर इधर जाके फिर बाद में डिसेंडिंग में जाएगा ऊपर से नीचे जाएगा। तो इस ये क्यों असेंडिंग डिसेंडिंग ज़्यादातर कहाँ पे काम आता है, ज़्यादा हम लोग को सेपरेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट चाहिए तो हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग चैम्बर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें टाइम भी लगता है लेकिन एफिशिएंट हम लोग जो भी सैंपल होगा अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। चौथा फोर्थ टाइप का होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर, और सर्कुलर का दूसरा नाम है रेडियल, रेडियल चैम्बर। इसके अंदर क्या होगा, हम लोग पैट्री प्लेट ले लेंगे, ये समझो मैंने पैट्री प्लेट लिया, ये पैट्री प्लेट के अंदर मैंने क्या किया मोबाइल फेस रख दिया, मोबाइल फेस ले लिया, फिर मैंने ऊपर से हम लोग राउंड शेप में वॉटमैन फिल्टर पेपर काटेंगे और वॉटमैन फिल्टर पेपर के अंदर बीच में इधर होल कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने जो ऊपर बाद में ये वॉटमैन फिल्टर पेपर को ये पैट्री प्लेट मैंने लिया था तो उसके ऊपर मैंने रख दिया ये वॉटमैन फिल्टर बीच में इधर होल है। ठीक है, अभी क्या करूँगा मैं सैंपल मैं इधर बीच में ही रखूंगा, इधर एक इधर 2 सेंटीमीटर के इधर ऐसा सर्कल बना दूंगा इधर और इधर मैं सैंपल रख दूंगा 1, 2, 3, 4 ऐसा करके इधर स्पॉट रख दूंगा और इधर रख दूंगा। ठीक है, अभी इधर होल से क्या करूंगा एक वीक लगाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं वीक, ये क्या मेरा पैट्री प्लेट और मैंने ऊपर क्या रखा है वॉटमैन फिल्टर पेपर जिसके ऊपर सैंपल लोड किया हुआ है वॉटमैन फिल्टर पेपर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ वीक का मतलब सही समझो जो रुई होती है वो मैंने रुई को ऐसा ऐसा शेप में कर देना है, फिर उसको ऐसा मोबाइल फेस के साथ एक एंड मोबाइल फेस के अंदर डीप कर देना, दूसरा एंड ऊपर तक लेके आना है, तो क्या होगा मोबाइल फेस ये रुई के अंदर से धीरे धीरे जाके अंदर इधर तक जाएगा सेंटर तक, फिर वो मोबाइल फेस धीरे धीरे इधर जाके रन हुआ तो वो सर्कुलर डायरेक्शन में अभी फिर मोबाइल फेस पूरी जगह पर ऐसा रन होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, तो उसके बेस पे ये जो सैंपल होगा ऐसा सेपरेट होगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर और रेडियल चैम्बर। मतलब इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो सर्कुलर मोशन में मतलब हम लोग सेपरेट होगा कंपोनेंट अलग अलग, कुछ नहीं है सिंपल है, ये पैट्री प्लेट है, पैट्री प्लेट के ऊपर हम लोग ने वॉटमैन फिल्टर पेपर रख दिया है, बीच में हम लोग होल कर देंगे, इधर से हम लोग जो रुई रहता है या कोई भी कॉटन रहता है वो कॉटन को हम लोग क्या करेंगे इधर डीप कर देंगे एक एंड को मोबाइल फेस के अंदर और एक एंड ऊपर लेके आएंगे, वो कॉटन इधर से एब्जॉर्ब करेगा मोबाइल फेस और इधर तक लेके आएगा और मोबाइल फेस इधर रन होना स्टार्ट होगा, तो इधर रन होना स्टार्ट होगा तो उस हिसाब से जो हम लोग ने इधर सैंपल रखा था
और सैंपल को इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट करते जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विथ मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, ठीक है। फिर इसका हम लोग आरएफ फैक्टर, आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। फिर अगला है, अगला टाइप का डिटेक्शन चैम्बर होता है, डेवलपमेंटल चैम्बर होता है, डिटेक्शन नहीं डेवलपमेंटल चैम्बर, एक क्लास टाइप का है, उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल चैम्बर। अभी टू डायमेंशनल के अंदर क्या होगा, हम लोग ने पहला जो रखा था एक चैम्बर है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग ने अगर मैंने पेपर रखा, इसके अंदर मैंने कंपोनेंट रखा, इधर नीचे मोबाइल फेज है, ठीक है, तो ये पहले सेपरेट होगा इस हिसाब से क्योंकि मोबाइल फेज रन होगा इधर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये प्लेट को ऐसा रख दूंगा या फिर ये दूसरी जगह पे, दूसरे चैम्बर पे रखूंगा, और हम लोग क्या करेंगे टू डायमेंशनल के अंदर इधर से फिर ऐसा सॉल्वेंट रन कराएंगे इधर इस साइड पे, नहीं तो मैं प्लेट को ऐसा कर दूंगा, प्लेट को ऐसा कर दिया तो ये क्या होगा, फिर जो अलग अलग कंपोनेंट में अगर ये सेपरेट हुआ है, से इधर साइड में बताता हूँ, पहले जो मैंने सैंपल रखा था तो ये ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, ठीक है, तो ये ए और बी में सेपरेट हुआ, वैसे इसका भी ए और बी में सेपरेट हुआ। अभी ये ए के अंदर भी दो या तीन कंपोनेंट और भी हो सकते हैं, तो पहले मैंने इस साइड पर रन कराया, फिर मैं कैसे रन कराऊंगा इस साइड पर, तो इधर इस साइड पर अगर मैंने मोबाइल फेज रन कराया तो इसके अंदर अगर ए और बी और तीन होगा तो इधर भी बाद में धीरे धीरे एक एक दो सेपरेट होगा, से ये कंपोनेंट इसके अंदर भी एक दो तीन, मतलब इसके अंदर भी कंपोनेंट हो सकते हैं, तो मतलब टू डायमेंशनल के अंदर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को अगर सेपरेट करना होगा तो एक बार हम लोग इस ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कराएंगे, फिर एक बार इस साइड से हम लोग प्लेट को रोटेट कर देंगे, तो फिर उसको इस साइड से रहना, और दोनों के मोबाइल फेस की पोलैरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं कि कोई ज़्यादा पोलर या नॉन पोलर, मतलब सॉल्वेंट मोबाइल फेस हम लोग चेंज करेंगे उस हिसाब से वो सेपरेट होगा। ये हुआ लास्ट टाइप का डेवलपमेंटल टेक्निक, ठीक है। अगर अभी लास्ट बचा है कि उसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, अभी डिटेक्शन के लिए यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं आयोडीन चैम्बर, या फिर अगर स्पॉट अगर इजीली विजिबल है, ये पेपर के अंदर जो स्पॉट हुआ अगर वो डायरेक्टली विजिबल है तो हम लोग उसको पेंसिल से मार्क करके हम लोग डायरेक्टली उसका आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई स्पॉट हम लोग विजिबल नहीं होता है, वो हम लोग को आँख से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जो हम लोग आँख से नहीं दिखेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप उसको हम लोग आयोडीन चैम्बर में रखेंगे, तो आयोडीन चैम्बर में रखेंगे, तो आयोडीन चैम्बर से वो क्या करेगा, आयोडीन उसके ऊपर वो सैंपल के ऊपर रिएक्ट करके हम लोग को उसका स्पॉट बता देगा। और दूसरा है उसको हम लोग यूवी में रखेंगे, यूवी चैम्बर में, तो यूवी चैम्बर में क्या होगा कि वो हम लोग फ्लोरोसेंट अगर कंपाउंड हुआ तो फ्लोरोसेंट एक 254 नैनोमीटर पे हम लोग देखेंगे और एक 365 नैनोमीटर पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक आयोडीन चैम्बर यूज़ कर सकते हैं और दूसरा यूवी चैम्बर, और उसके वापस दो टाइप बोल सकते हैं हम लोग। ये हुआ हम लोग का जो इजीली दे सकते हैं, ठीक है, ठीके? ये हम लोग फिजिकल मेथड हुआ। अगर केमिकल मेथड हुआ तो केमिकल मेथड के अंदर ये फिजिकल हुआ, और केमिकल मेथड के अंदर हम लोग नीन हाइड्रिन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, नीन हाइड्रिन सॉल्यूशन, वो हम लोग उसको पेपर के ऊपर नीन हाइड्रिन सॉल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे और उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने की वजह से वो इसके साथ रिएक्ट करेगा सैंपल के साथ जहाँ पे भी हम लोग को स्पॉट होगा, और उसके उससे उधर कलर बता देगा, ठीक है। तो नीन हाइड्रेट सॉल्यूशन से हम लोग कर सकते हैं, ये एक टाइप का हम लोग उसको बोलेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड बोलेंगे इसको, नीन हाइड्रेट सॉल्यूशन वाला, सो क्या बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव मेथड। और जो पहले जो मैंने बताया आयोडीन चैम्बर और यूवी चैम्बर, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव मेथड के अंदर सैंपल ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव मेथड बोलेंगे और उसके अंदर नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, ठीक है। तो नीन हाइड्रेट सॉल्यूशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नीन हाइड्रेट सॉल्यूशन या रिएजेंट हम लोग इसको स्प्रे करेंगे। और अगर उसको हम क्वांटिफाई करना होगा, क्वांटिफाई मतलब कितना अमाउंट ऑफ सैंपल प्रेजेंट है, तो उसके अंदर बहुत सारे मेथड है। तो पहले मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर पहला है डायरेक्ट मेथड, बट डायरेक्ट के अंदर बहुत सारे, पहला है कंपैरिजन ऑफ विजिबल स्पॉट। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्पॉट हम लोग को नजर आया है इसके अंदर एक इधर इधर, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा कितना ज़्यादा डेंस है और कितना ज़्यादा लाइट है, उस हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे किसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट है और जो भी मिक्सचर सेपरेट हुआ है, ठीक है। तो कंपेरिजन करेंगे थ्रू विजिबल, मतलब हम डायरेक्ट आँख से हम लोग उसको कंपेयर करके देखेंगे कौन सा ज़्यादा डेंस स्पॉट दिख रहा है, कौन सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। दूसरा टाइप का डायरेक्ट में आता है फोटो डेंसिटोमीटर, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। वो क्या करता है कि उसके ऊपर प्लेट को उसके अंदर हम लोग रखेंगे ना, तो जो स्पॉट हम लोग को जो दिखा है, जो भी अलग अलग सेपरेट हुआ है, तो वो कितना डेंस है और उसके अंदर कितना
अमाउंट ऑफ सैंपल वो हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो डेंसिटोमीटर। अगला होता है कि पोलेरोग्राफी और कंडक्टोमेट्री। पोलेरोग्राफी एंड कंडक्टोमेट्री ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ सैंपल मेजर कर लेता है, मेजर अमाउंट ऑफ सैंपल, ठीक है। ये सब हुआ डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हम लोग क्वांटिफाई कर रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ सैंपल प्रेजेंट है, तो ये सब डायरेक्ट मेथड से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अभी इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होगा, पहला है उसके अंदर स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री, मतलब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होगा, जो हम लोग ने जो पेपर क्रोमेटोग्राफी के जो अलग अलग सैंपल जो सेपरेट हुआ है, तो अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से स्कूप आउट कर लेंगे, इधर से उसको ले लेंगे, पेपर को इधर से कट कर देंगे, वो कट करने के बाद हम लोग एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर उसको डिजोल्व कर देंगे। तो जो भी सैंपल होगा वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होने के बाद उसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर चेक कर लेंगे थ्रू यूवी या जो भी हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करने वाले, ठीक है। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं उसका इसके अमाउंट में कितना जो सैंपल के अंदर कितना कंसेंट्रेशन है, ठीक है। और दूसरा एक है कि उसको इलेक्ट्रो केमिकल मेथड से भी हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बात हुआ हम लोग का कि डेवलपमेंटल चैम्बर, ठीक है, डिटेक्शन लिमिट, हम लोग उसको डिटेक्ट कैसे किया, ठीक है। अभी डिटेक्शन तो हो गया, अभी हम लोग उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन में हम लोग दो तीन पॉइंट में ऐसे ही बोल देता हूँ कि ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन यूज होता है सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, एल्कोलॉइड्स, और दूसरा है इसको डायग्नोस्ट करने में यूज होता है, जैसे एग्जांपल ऑफ डायग्नोस्ट करने के लिए एग्जांपल ऑफ एनालिसिस ऑफ ब्लड हेमोग्लोबिन, इसको हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पस की तरह यूज करते हैं। और हम लोग बाद इसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन हम लोग उसकी स्टडी कर सकते हैं एंड इसकी कंपोजिशन, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं। थैंक यू।